संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। संवाद श्रृंखला एक इंटरेक्टिव सीरीज रही है जिसमें हम लोग खासकर बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट चर्चाएं हैं और करंट अफेयर से जो संबंधित विषय और समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते रहते हैं। और संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाज में जो जागरूक लोग हैं उनका ध्यान उन मुद्दों तक आकर्षित करवाते हैं। लगभग 50 के आसपास संवाद श्रृंखला में हम लोगों ने एपिसोड लिया है, उसी क्रम में अब नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं और आज के संवाद श्रृंखला में एल्निनो पर चर्चा होगी। एल्निनो आप समझते होंगे, एल्निनो का भारतीय मानसून पर बड़ा ही बेजोड़ प्रभाव होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एल्निनो जिस वर्ष आता है भारत में वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमने किताबों में खूब पढ़ा एल्निनो के बारे में, नोट्स में भी पढ़ा, ऑप्शनल भी ले लिया कि एल्निनो जो है जिस वर्ष आता है उस वर्ष सूखा पड़ता है, लेकिन इस वर्ष 2023 में एल्निनो आया लेकिन खूब बारिश हुई। आखिर क्या मसला है ये? तो एक चीज़ ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आज़ादी के बाद 15 बार एल्निनो की घटना हुई है, मतलब 75 वर्षों में 15 बार, तो 15 × 75 लगभग हर 5 साल 4 साल पे एल्निनो की घटना होती है। लेकिन 15 बार एल्निनो आया, 6 बार एल्निनो के आने के बाद भी खूब बारिश हुई, अर्थात भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात एल्निनो आने पर हमेशा भारतीय मानसून प्रभावित होगा या वर्षा कम होगी, ऐसा सोचना आप बंद कर दीजिए। हाँ, एल्निनो आने पर वर्षा कम हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, ऐसा सोचिए। 2023 में एल्निनो आया, वर्षा थोड़ी सी कम हुई, केवल 6% वर्षा कम हुई है, और वह भी देश के सभी भागों में नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो 94% वर्षा हुई है, केवल 6% वर्षा कम हुई है। और ये जो 6% वर्षा कम हुई है ये देश के पूर्वी भाग और पूर्वोत्तर वाले भाग में और साथ में दक्षिणी भाग में, अगर देश के पूर्वी भाग और पूर्वोत्तर भाग में देखा जाए तो लगभग 18% वर्षा कम हुई है, दक्षिणी भारत में लगभग 8% वर्षा कम हुई है, उत्तर पश्चिम भाग में देखें तो वर्षा ठीक ठाक हुई, 1% बल्कि ज़्यादा हुई है, और मध्य भारत में भी सामान्य वर्षा हुई है। इसका मतलब है कि जो है वर्षा थोड़ी मोड़ी प्रभावित हुई है। तो एल्निनो जिस वर्ष आता है, अब यह मान लेना है कि वह वर्ष भारतीय मानसून के लिए चुनौतीपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्षा कम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यद्यपि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एल्निनो आने पर 10 से लेकर 25% वर्षा कम होती रही है, इस बार 6% कम हुई, अर्थात उस दायरे से देखा जाए तो एल्निनो का इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है चूंकि ये एल्निनो का वर्ष है तो इस बार जाड़े का समय कम होगा और सर्दी भी कम पड़ेगी, मतलब विद्यार्थियों के लिए तो एक अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा जब जो है जाड़ा पड़ता है तो विद्यार्थी रजाई में ही दुबके रहते हैं। कई बार कंबल को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर भी मैंने एक देखा, एक विद्यार्थी ऐसे पढ़ रहा, पूरा कंबल ओढ़ करके उसी के अंदर वो सो रहा है कि पढ़ रहा है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो अब की बार कम से कम बहुत जाड़ा नहीं पड़ेगा दिल्ली में मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, इंदिरा विहार, इंदिरा विकास, आउटरम लाइन, इसके आसपास जितने भी विद्यार्थी रहते हैं या भारत में कहीं और भी रहते हैं तो उनके लिए अब की बार का जाड़ा देखा जाए तो पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और आप सर्दी के मौसम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक तो हल्की सर्दी होगी, दूसरे कम दिनों की सर्दी होगी। और अगर आप देखिए अभी अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आप देखिए ऐसे नहीं लगता कि हम जाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम आ रहा है, इसका मतलब है कि नवंबर आनवर्ड हो सकता भारत में अब की बार जाड़ा पड़े, दिसंबर जनवरी में ही मुख्य रूप से जाड़ा रहेगा, थोड़ा हल्का जानते हैं हल्की जाड़ा नवंबर के लास्ट में और फरवरी में आधे महीने तक रहेगी, मतलब अब जहां 4, 4.5 महीने जाड़ा पड़ता है वहीं हो सकता है 3, 3.5 महीने जाड़ा पड़े मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार। बाकी मौसम क्या रहेगा जब एग्जैक्ट आप परिस्थिति को देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे तभी जान पाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए कि एल्निनो क्या है। देखिए एल्निनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द लिटिल बॉय,
मतलब एक छोटा सा बच्चा। अच्छा वैसे बहुत आप जानते हैं लिनो की उत्पत्ति, चूंकि ऐसे तो लिनो की उत्पत्ति अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है पेरू के पश्चिमी सीमा पर, पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, उसके वेस्टर्न कोस्ट पर जो है लिनो की उत्पत्ति अक्टूबर नवंबर से ही हो जाती है, लेकिन इसका पूरा प्रभाव 25 दिसंबर के आसपास दिखाई पड़ता है। और 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन है, ईसा मसीह का जन्मदिन है, जिसके नाते बहुत लोग इसको जीसस चाइल्ड भी कहते हैं, जीसस का बच्चा कहते हैं, द बॉय चाइल्ड ऑफ जीसस कहते हैं, अर्थात माना जाता है कि यह जीसस का बच्चा है। और जब जो है लिनो उत्पन्न होता है तो पेरू के पश्चिमी सीमा और इवन धीरे धीरे पूरे देखा जाए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्र का जो जल स्तर है, जो समुद्र का जल है, वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने के नाते पूरा दक्षिणी प्रशांत महासागर रिलेटिवली गर्म हो जाता है। और गर्म होने के नाते आप जानते हैं जब पानी गर्म होता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पानी का फैलाव ज़्यादा होता है। तो यही जो दक्षिणी प्रशांत महासागर का पानी है, ये अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा तो उसके ऊपर से निकल करके हिंद महासागर की तरफ फ्लो होने लगता है। यद्यपि आप जानते हैं महासागरों, जितने भी महासागर ओशन हैं, वो सब अपनी सीमा में बहते हैं, अपनी सीमा में बधे हुए हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और सदर्न ओशन, सबको देखें। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है वहाँ से जो है निकल करके पानी दक्षिणी हिंद महासागर में आता है, जिसके नाते दक्षिणी हिंद महासागर भी रिलेटिवली गर्म हो जाता है। और भारत में जो हेडली सेल, आप जानते होंगे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से हेडली सेल बनता है जिसके नाते वर्षा होती है। तो जो हेडली सेल बनता है और उससे दक्षिण पश्चिम से जो भारत में मानसूनी पवने आती हैं और भारत में बरसात होती है, ये जो पवने हैं ये जो तिब्बत के पठार के ऊपर से उठती हैं और फिर जो है अगर आप मेडागास्कर द्वीप के पास उत्तर में देखें तो मैस्कर्नी द्वीप है वहाँ उतरती हैं, फिर अरब सागर से मुड़ते हुए भारत की तरफ, भारत में पश्चिम से और थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रवेश करके भारत में आती है, इसी को हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये जो मेडागास्कर के आसपास जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उतरती हैं, पूर्वी जेट हवाएं उतरती हैं, ये वहाँ से कुछ दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ खींच जाती हैं, चूँकि वहाँ पे गर्म पानी हो जाता है और इसके नाते वहाँ लो प्रेशर होता है। तो ऐसे में जब वहाँ पे कुछ हवाएं चली जाती हैं तो भारत में उन हवाओं की मात्रा कम हो जाती है और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली जो हवाएं हैं आर्द्रता को लेकर आती हैं, बरसात करवाती हैं, जिसके नाते भारत में वर्षा कम होती है। सामान्यतः एल नीनो के समय में ऐसा ही माना जाता है, लेकिन अब यह देखना पड़ेगा कि एल नीनो किस तरीके का उत्पन्न हुआ, क्योंकि एल नीनो की जो जलधारा वो गर्म जलधारा होती है, वो कितनी गर्म है, कितनी प्रभावी है, जितनी प्रभावी होगी वो ऐसा ही प्रभाव डालेगी। 2023 में जो एल नीनो की घटना उत्पन्न हुई, एल नीनो का जो वर्ष रहा उसमें एल नीनो करंट उतना प्रभावी नहीं था, जिसके नाते उसका प्रभाव भी कम पड़ा और यही कारण है कि भारत में वर्षा कम, उतना कम नहीं हुई, केवल मात्र 6% वर्षा कम हुई और एल नीनो के बाद भी सूखे का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एरिया में सूखे का प्रभाव रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में लोगों ने देखा होगा। तो इस स्थिति में ये कहा जाता है कि यह घटना जो है उतना प्रभाव नहीं डाल पाई, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसको इसी तरीके से देखा ही जाता है। इवन अगर आप देखें तो मानसून की परिभाषा क्या दी जाती है कि मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा का बदल जाना ही मानसून है। मानसून अभी ना समझे जाने वाली एक प्रक्रिया है। मानसून की हमारी जो पूरी समझ है वो मोनेक्स प्रोजेक्ट से है। अब इंडोमोड प्रोजेक्ट आ गया, बॉबल प्रोजेक्ट आ गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से अभी भी अध्ययन किया जा रहा है कि वास्तव में मानसून और उसकी उत्पत्ति के लिए और साथ में उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है और क्या कारण जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर को हम लोगों को लगातार पढ़ते रहना होगा और जानते रहना होगा। लेकिन इस वर्ष एल नीनो का लिनो आया, लेकिन भारतीय मानसून पर उतना प्रभाव नहीं हुआ, थोड़ा ही कम वर्षा हुई, जिसके नाते एल नीनो नए चर्चा का कारण बना हुआ। ऐसे में आपको जानना चाहिए एल नीनो क्या है। अच्छा, एल नीनो का जब प्रभाव समाप्त होता है तो उसको ला लिनो कहा जाता है, द गर्ल चाइल्ड ऑफ जीसस कहा जाता है।
तीन सब चीज़ों को जानिए, लिनो क्या है, लालिनो क्या है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, और इसका जो है कई वर्ष नहीं प्रभाव रहा है तो क्या कारण जिम्मेदार है, ऐसी सभी चीज़ों को आप जानते रहिए और इस चर्चा को भी समझते रहिए। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही, इससे आगे हम लोग कल के जो है सेशन में बढ़ेंगे और पुनः एक नए जो है घटना पर चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।